नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है इतिहास, और यह इतिहास का भाग 5 है। आप इस वीडियो सीरीज का भाग 1 से 4 देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम इतिहास भाग 5 को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ऑप्शन ए लंगनाज, ऑप्शन बी बीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी चोपनी मांडू। तो इसका जो सही आंसर है वह है आदमगढ़, यानी पशुपालन के प्रमाण जहां मिले उसका नाम है आदमगढ़। अगला प्रश्न है कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए महदहा से, ऑप्शन बी काकोरिया से, ऑप्शन सी सराय नहर से, ऑप्शन डी चोपनी मांडू से। तो इसका जो सही आंसर है वह महदहा से, यानी हड्डी के उपकरण महदहा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नहर से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी महदहा से, ऑप्शन डी चोपनी मांडो से। तो इसका जो सही आंसर है वह दमदमा से, यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा नामक स्थान से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है कि खाद्यान्नों की किसी सर्वप्रथम शुरू हुई थी। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो सही आंसर है वह है नवपाषाण काल में, यानी कि खाद्यान्नों की किसी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिला। ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। इसका जो सही आंसर है वह है नर्मदा घाटी, यानी भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका जो सही आंसर है वह है जौ, यानी मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज का नाम था जौ। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोल्ली हवा से, ऑप्शन बी लाहौरादेव से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी बुर्जहोम से। तो इसका जो सही आंसर है वह है लाहौरादेव से, यानी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लाहौरादेव से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन ए केडी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी बीएस बांकंकर ने, ऑप्शन सी एचडी सांकेलिया ने, ऑप्शन डी मार्टिमर हुईलर ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है एचडी सांकेलिया ने, यानी नावदा टोली का उत्खनन एचडी सांकेलिया ने किया। अगला प्रश्न है कि नावदा टोली किस राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश, यानी नावदा टोली नामक स्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है गुफाओं के शैलचित्र, यानी भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। तो इसका जो सही आंसर है वह है अब्दुल्लागंज रायसेन, यानी भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी मास्की। तो इसका जो सही आंसर है वह है बुर्जहोम, यानी बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि गर्त आवास या गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम,
ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी संगन कल्लू। तो इसका जो सही आंसर है वह है ब्रज होम, यानी गर्त आवास या गड्ढा घर के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह ब्रज होम से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो सही आंसर है वह है अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का जनक जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है वह है भोपाल, यानी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जिसका कि अब नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण है। ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मृदभांड। तो इसका जो सही आंसर है वह है मृदभांड। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए नंबर, यानी कि वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।